पूर्वज लोग यहाँ पर जो बैठे थे तो उसी समय यहाँ पर जो भी धान था वो लोग यहाँ कूटते थे, चावल करते थे और खाना बना के खाते थे। तो वो आप लोग उसको संजो कर रखे हैं? जी संजो कर रखे हैं। ये सालों भर ऐसे ही सजा कर रखते हैं या सिर्फ अभी लोगों का जो मेला लगता है उस समय से? ऐसी तो बीच में ऐसा नहीं रखते हैं, लेकिन जब ये पहले जो हम लोग का आदिम काल से यहाँ पर विचार हुआ था, बैठक हुआ था, उस बैठक में जब इंसान लोग आते थे तो खाना पीने के लिए यही से उखड़ बना करके करते थे, धान कूटते थे। इसी में लगा रहे हैं कि इसी में? नहीं, ये पहले से ऐसे ही बना हुआ था। सिक्का जो है हाँ। मान्यता है कि इसी में चला जाए। हाँ। हमारे पूर्वज जब आए इस क्षेत्र में वो अपार जो अपनी जो संस्कृति थी उसको नए सिरे ने उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए और यहाँ लगातार उन लोग 12 वर्षों तक विचार विमर्श किए और उसी दरमियान में जब यहाँ थे वो लोग यहीं से वो धान कूटते थे और यहीं पर वो रह के अपना विचार विमर्श। उसी लोग हम लोग दरबार मैंने मीटिंग बैठते थे तो यही जगह पे मीटिंग किया था 12 साल जो हाँ अगले जमाना में पहले जमाना में किया हुआ तो हम लोग तो इतने सुने हैं। जब आप लुगु पहाड़ आएंगे लुगु बाबा के पास जाने के लिए तो पहाड़ चढ़ने से थोड़ा सा पहले अंदर आकर जाहिर थान के बगल में ये एक जगह है, आप इसको देखकर कई चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये ओखल है। गांव में जिस तरीके से धान कूटने के लिए पहले जो होता था वो उस डिज़ाइन में ये चीज़ें बनी हुई हैं। आप देखिए कि इसमें ये बताया गया है कैसे, देखिए सूप है, सूप में धान रहता है, वहाँ पे देखिए सूप में धान है, धान वहाँ डाल दिया जाता है, फिर वो कूटा जाता है, वो धान चावल बनता है। ये कहा जाता है कि ये यहाँ जो 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 मान्यताएं हैं यहाँ के लोग कहते हैं कि दुनिया की रचना जो है वो लुगु बाबा ने की और सांथाली समाज का मरण करण जो होगा वो किस तरीके से होगा उसकी जब उसका जब विचार विमर्श हो रहा था वो लगभग 12 सालों तक जो विचार विमर्श चला उस दौरान धान उगाकर यहीं पर धान को कूटा जाता था। तो ये जो बना हुआ है ये कलर जो है ये दर्शाने के लिए किया गया है कि ताकि आप आसानी से समझ पाए। बकायदा इसमें ओखल जो होता है, सामने ओखल आप देख रहे होंगे उसको रखा गया है, आपको दिखाने के लिए ड्राइंग भी किया गया है और सामने ओखल रखा भी गया है ये बताने के लिए कि ओखल होता कैसे है। तो ये ओखल के अनुसार है, लोगों की मान्यता जो है वो हमने बताई है, हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और लोग यहाँ ये दे रहे हैं, सिक्का फेंकते हैं, पैसा देते हैं। इधर क्या यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मखोनी मुर्मू है। क्या है ये, क्या मान्यता है इसकी? देखिए हम लोगों का तो ये आदिवासी का रीति रिवाज जो है ना, तो पहले जमाना में हम लोग का जो जैस लोग जो हैं उसी लोग हम लोग दरबार मैंने मीटिंग बैठते थे तो यही जगह पे मीटिंग किया था 12 साल जो हाँ अगले जमाना में पहले जमाना में किया हुआ तो हम लोग तो इतने सुने हैं उसी के लिए। तो ये सब यहाँ लोग सिक्का फेंकते हैं? हाँ वो अपना अपना मान्यता हाँ अपने मान्यता के लिए। देखिए हम लोग का तो कुछ गांव तरफ भी ऐसे झगड़ा वगैरह हो जाता है ना तो हम लोग दरबार गांव में भी करते हैं ना, तो इसी वजह से कुछ जैसे लोग ट्राई कर रहे हैं अगर यहाँ सफर कर लेगी तो गाँव में भी शांति फैलाएगी। अच्छा ये इनकी मान्यता है और लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग की जो मान्यताएं हैं वो उस ओखली के अंदर ही चाहते हैं सिक्का डाले और लोग ये जो सिक्का बाहर चला जाता है उसको उपलोग। अच्छा ये लोग जो सिक्का फेंक रहे हैं उसको आप लोग उठा के इसमें डाल देते हैं? हाँ इसमें डाल देते हैं। लोग उसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं? नहीं उसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मान्यता है उसमें डालने? ये देखिए ये आपका ये हुआ जैसे कि हम लोग दान पेटी में दान करते हैं कि नहीं, वैसे ये भी दान होता है, अपना मन से श्रद्धा से दान कर रहे हैं, ये कोई खेल नहीं है। ये पहले जो हम लोग का आदिम काल से यहाँ पर विचार हुआ था, बैठक हुआ था, उस बैठक में जब इंसान लोग आते थे तो खाना पीने के लिए यही से उखड़ बना करके करते थे, धान कूटते थे। इसी में लगा रहे हैं कि इसी नहीं में चला ये जाए। पहले से ऐसे ही बना हुआ था। सिक्का जो है कि हाँ। मान्यता है कि इसी में चला जाए। हाँ। अपने श्रद्धा से कर रहे हैं कि ताकि इसमें घुसे। अच्छा तो आप उठा के जिनका इधर चल रहा है उसे हाँ उसको चीज दे रहे हैं। ठीक है ये लोग जो हैं वो अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए यहाँ डालते हैं और ये जो लोग यहाँ 3-4 महिलाएं बच्चियाँ जो दिख रही हैं वो इसको उठाकर करती हैं कि उसी में डाल दिया जाए। हम लोग बाहर निकल के
और एक दादा हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं। कहाँ से आए दादा? हम गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से हैं, ये क्या है, क्या मान्यता है इसकी? इसको हम लोग उखुड़ कंडी बोला जाता है, इसमें जो ऊपर में रखे हुए हैं उधर जो ओखल ओखल वो हम लोग जहाँ हमारे पूर्वज जब आए इस क्षेत्र में, वो अपार जो अपनी जो संस्कृति थी उसको नए सिरे ने उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, और यहाँ लगातार उन लोग 12 वर्षों तक विचार विमर्श किए, और उसी दरमियान में जब यहाँ थे वो लोग यहीं से वो धान कूटते थे और यहीं पर वो रह के अपना विचार विमर्श। वो जो गड्ढा सब है वो उखल का है? हाँ, उखल ऐसी मान्यता है। हाँ। अच्छा दादा, आप यहीं पे हैं, जो लोग सिक्का फेंक रहे हैं हम उनको देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उस गड्ढे में ही सिक्का चल जाए, तो क्या कोई मान्यता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, है ना, वैसा कुछ नहीं है, ये अपने क्या बोलते हैं एक श्रद्धा है, वैसे क्या बोलते हैं दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ डालिएगा तो आपका जो भी मन्नत है पूरा हो, वैसा कुछ नहीं है। पूर्वज लोग यहाँ पर जो बैठे थे तो उसी समय यहाँ पर जो भी धान था वो लोग यहाँ कूटते थे, चावल करते थे और खाना बना के खाते थे। तो वो आप लोग उसको संजो कर रखे हैं? जी, संजो कर रखे हैं। ये सालों भर ऐसे ही सजा कर रखते हैं या सिर्फ अभी लुगुबु का जो मेला लगता है उस समय से? ऐसी तो बीच में ऐसा नहीं रखते हैं, लेकिन जब ये क्या बोलते हैं यहाँ पर जब ये धर्म सम्मेलन होता है उसमें इसको सजाया जाता है। ये सब सूप वूप इसलिए बनाए गए ताकि आप बता पाए कि ऐसे होता है? जी जी, ये मतलब दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। ये है और यहाँ बहुत कुछ है, हम यहाँ मौजूद हैं और कई चीज़ों से आपको हम रूबरू कराएंगे। जोहर। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।